केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर विवाद तय, कहा हार की जिम्मेदारी नेतृत्व को लेनी चाहिए। गडकरी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, जब तक नेता विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक संगठन के प्रति निष्ठा साबित नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सफलता के कई दावेदार होते हैं लेकिन असफलता अनाथ होती है। आज अमित शाह के घर एनडीए की बैठक, सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है। ट्रिपल तलाक पर बोले पीएम मोदी, कहा मुस्लिम महिलाओं को जल्द राहत मिलेगी। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी, चौकियों को निशाना बनाया गया, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ग्रेनेड हमला, 6 सीआरपीएफ के जवान घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत और चीन के बीच पहला सैन्य अभ्यास खत्म, 100 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। नसीमुद्दीन शाह के बयान पर अनुपम खेर ने कहा, क्या जवानों पर पत्थर फेंकने से भी ज्यादा आजादी चाहिए। अलीगढ़ के हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष आदित्य पंडित ने नसीरुद्दीन शाह को 50,000 का चेक भेजा, कहा भारत में भय है तो पाकिस्तान चले जाइए। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजा। फारूक अब्दुल्ला के स्वायत्तता का कांग्रेस ने किया समर्थन, फारूक ने कहा था सत्ता में आए तो स्वायत्तता देंगे। मंदिर मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कानून लागू करने में संवेदनशीलता की कमी। रथ यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बीजेपी, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला खारिज किया था। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में टीआरएस, केसीआर अगले हफ्ते नवीन पटनायक, ममता, मायावती और अखिलेश से मिलेंगे। कोलकाता में जनवरी से पहले हफ्ते में टीएमसी की रैली, 10 और 19 जनवरी को विपक्षी दलों की रैली का ऐलान। अकाली दल ने भी राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग की, विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करने की अपील। लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी बीएसपी और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व पीएम वाजपेयी के जन्मदिन पर सिक्का जारी होगा, संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी की फोटो लगेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, इंदौर के कार्यकर्ताओं से 4 घंटे तक बातचीत की। 25 दिसंबर को कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का गठन, दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी ने सबसे बड़े रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे, 25 दिसंबर को उद्घाटन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद आएंगे, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गई। टायर, एलईडी टीवी, लिथियम बैटरी, व्हीलचेयर, फुटवेयर, फ्रोजन वेजिटेबल्स पर भी जीएसटी दरें घटाई गई, वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान।